फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाश किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से शाही पनीर की रेसिपी। इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ, चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई ली है और मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ ये बटर। बटर करीब ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। बटर मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि बटर से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या फिर देसी घी। और ये मैंने ली है एक बड़े साइज की प्याज और इसे मैंने इस तरह से काट लिया लंबाई में, इसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है जिससे कि बटर जले नहीं। और ये 1.5 इंच के जिंजर का पीस लिया था, उसे मैंने ये इस तरह से पीसेस में काटा हुआ है, इसे ऐड कर देंगे। और 10 से 12 कलियां लहसुन की, सबको एक साथ ऐड कर देंगे। और ये 4 हरी इलायची, इसे भी ऐड कर देंगे। और हल्का से इसे इसमें पका लेंगे जब तक जो ये प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट करना है। जो बाकी की चीज़ें ऐड की हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए, उनका कच्चापन निकल जाए बस। ये देखिए प्याज को मैंने सिर्फ 1 मिनट तक अभी कुक किया है, थोड़ा सा और पकाना है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काजू। काजू मैंने लिए 10 से 12 काजू, इसे ऐड कर देंगे। और इसे भी इसी के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सब अच्छे से पक चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, मुझे इतना ही पकाना था इस मसाले को। देखें आप, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, सब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। इसमें इतना ही फ्राई करना था, इनकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल गई है। और इसे अब हम ठंडा करके पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जिस कढ़ाई में मैंने प्याज और अदरक लहसुन और हरी इलायची फ्राई की थी, इसी कढ़ाई में मैं अब ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो पहले मसाले फ्राई किए थे वो बटर में फ्राई किए थे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी से खुशबू आ जाए। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाले। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम गरम मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने लिया है 1 इंच का सिनेमन स्टिक का पीस और 1 तेजपात के पत्ता, 3 लौंग ली है, 10 से 12 हरी इलायची। और ये मैंने लिया है शाही जीरा, इसे ऐड कर देंगे इसमें। और कुछ सेकंड के लिए इसे इसमें पका लेंगे जिससे कि मसालों की अच्छी से खुशबू आ जाए ऑयल में। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप सफ़ेद जीरा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मसाले इसमें अच्छे से पक गए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये पेस्ट जो मैंने बनाया था, प्याज अदरक लहसुन और काजू का, इसे ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए मसाला अभी भून रहा है, थोड़ा सा और भूनना है। शाही पनीर बनाना बहुत आसान है। शाही पनीर अक्सर हम लोग जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं या फिर शादियों में, लेकिन जब आप घर पे बनाएंगे तो आपको फिर लगेगा ये कितनी आसानी से बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें शाही पनीर को मेरे स्टाइल में, तो आप देखिएगा कितना टेस्टी बनता है। और इसमें प्याज के साथ मैंने जो हरी इलायची डाली थी, फ्राई करी थी और उसके बाद उसे सब मसालों के साथ पीस लिया है, वो इसलिए कि इसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा इसमें शाही पनीर में हरी इलायची का। तो आप लोग इसी तरह से बनाएं जैसे मैंने बनाया है। तो ये देखिए मसाला भून रहा है, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि पहले भी हमने प्याज को अच्छे से फ्राई किया था। तो ये भुन चुका है, बस इसमें ऑयल ऊपर आने लगा है। तो अब इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। हम मसाला भूनते वक्त इसे चलाते ज़रूर रहें क्योंकि इसमें काजू ऐड किया है, अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें लिए हैं, इन सबको मिला के मैंने पीस लिया है, इसे ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही में कुछ मसाले और ऐड करना है इसमें अभी। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
और 1 teaspoon ही सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इसमें ऐड कर देते हैं और ये 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, और इसको भी हम भून लेंगे एक बार और। ये देखिए टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें इसे मसाले को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका भी लिया है और ये अब भुनने लगा है, ऑयल सेपरेट हो गया है। मसाले को पकाना बहुत अच्छे से है क्योंकि पनीर डालने के बाद ज़्यादा देर तक ये पकता नहीं है, इसीलिए अच्छे से पका लें, ये भी टेस्ट आएगा इसमें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून दही, और इसमें जो मैंने चिली ऐड किए हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से ले लें। और दही डालने के बाद एक बार और इसे भून लेंगे। ये देखिए दही डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया, देखें आप ऑयल सेपरेट हो रहा है, इसी तरह से होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से भून चुका है ये। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम, ये मैंने 4 टेबल स्पून क्रीम दी है, इसे ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर दें मसाले में, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया मसाले का, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। पनीर लिया मैंने 250 ग्राम और इसे इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले, ये देखिए पनीर को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब इसकी कंसिस्टेंसी हमें सेट करना है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध, आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर दें सब चीज़ों को अच्छे से। और पनीर को अभी हमें पकाना भी है, आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पर पनीर की काफ़ी रेसिपीज मिल जाएंगी, मखमली पनीर, पालक पनीर, पनीर मलाई कोफ्ता, कई तरह की रेसिपीज़ हैं आपको उसकी मिल जाएंगी। मैंने इसमें करीब 1/2 कप दूध ऐड किया है, और साथ ही में इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। ये मैंने ली है 1 teaspoon कसूरी मेथी, इसे इस तरह से ऐड कर देंगे, और 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, इन दोनों को भी ऐड करेंगे। पहले भी मैंने 1/2 teaspoon गरम मसाला ऐड किया था, मसाला भूनते टाइम कसूरी मेथी और गर्म मसाला ऐड करते हैं तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप चाहें आपको तो इसमें 1/2 teaspoon तक शक्कर ऐड कर दें, क्योंकि जो ये शाही पनीर हल्का सा मीठा होता है, ये आपकी चॉइस है, अगर आपको थोड़ा हल्का मीठा पसंद है तो आप इसमें शक्कर ऐड कर दें। और इसे अब मैं कवर करके पकाऊंगी करीब 5 से 6 मिनट, जिससे कि पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो कितनी चीज़ें हमने डाली हैं क्रीम दूध वो भी इसमें पक जाए। इसे मैं कवर कर देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए, और फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें, स्लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम खोल के देखते हैं। तो देखिए इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है, जिससे कि पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे देख लेते खोल के देख लेते हैं, ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। ये गर्मा गर्म सर्व करें इसे, सर्व करें इसे नान के साथ, चपाती के साथ, या फिर पराठे के साथ, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग अपने किचन में इसे जरूर ट्राई करें, मेरे स्टाइल में बनाएं, जिस तरह से मैंने बनाया है आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और देखते रहे मेरे चैनल को, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंजॉय करें। शाही पनीर विश यू बास किचन, थैंक यू।